हेलो फ्रेंड, पहला वीडियो जो अनबॉक्सिंग किया था मैंने कि यूनिवर्सल स्विच सॉकेट बॉक्स, जिसको अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको बोला था जो दूसरा एक वीडियो में हम आपको बताएंगे इस स्विच बॉक्स के कनेक्शन के बारे में। इसके अंदर इस प्रकार का जो स्विच बॉक्स रहता है कॉम्बो, ये रहता है। क्यों इसको कॉम्बो किया जाता है, ये जो बैक का ये दो प्रकार मिल सकता है, ठीक है। एक है आपको ये जो स्विच और सॉकेट है ये मिलेगा, पीछे का बैक साइड नहीं मिलेगा। और ये क्या है, यहाँ पे लिखे है देखिए विद बॉक्स, इसका मतलब ये पीछे वाला जो है ये बॉक्स के साथ आता है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और इसको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, कनेक्शन करने के पहले आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, जो कनेक्शन ये है एसी कनेक्शन, ठीक है, 220 वोल्ट के चलेगा। पेंच को हमने साइड में ला लेता है और यहाँ पे देखिए ये है बॉक्स, बॉक्स के चारों तारे देखिए, चारों साइड यहाँ पे देखिए इस पर इस और यहाँ क्या होता है, इसमें काम पे आता है जब कंसील नहीं और जब कैसिंग वायरिंग होता है उस समय काम पे आता है। ये जो देख रहा है इससे ये आता है कंसील, जब कंसील वायरिंग होता है उस समय आता है। ये पीछे वाला जो फोटा देख रहा है इसमें, और ज़्यादातर तो हम लोग अभी कौनसिल ही होता है, इसलिए कंपनी ने ये छेद रख दिया। साइड में कैसिंग भी है ऑप्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसके कनेक्शन के बारे में फ्रेंड, पीछे जो हो देख रहा है ये है, ये जो देख रहा है ये है स्विच और ये सॉकेट, ठीक है। ये जो स्विच है इसके दो पोर्शन है और इसमें तीन पोर्शन है, ठीक है, इसमें तीन कनेक्टर लगा हुआ है। तो पहला जो कनेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको, यहाँ पे देखिए कनेक्टर के अंदर मेंशंस किया गया है आपको कहाँ से कौन सी तार लगाना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये जो देखिए ये यहाँ पे एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लाइन, और यहाँ पे देखिए आप एन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है न्यूट्रल। और यहाँ पे देखिए अर्थ का सिंबल दिया रखा है, इसका मतलब ये अर्थिंग के लिए, ठीक है, ये बड़ा मोटा वाला जो होता है ए अर्थ। फेज अलग होता है, ये होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल फेज ए सॉरी फ्रेंड, ये है फेज और इसके क्या कहते हैं न्यूट्रल, और ये है अर्थ, ठीक है। फ्रेंड न्यूट्रल और अर्थ में फर्क क्या होता है, फ्रेंड न्यूट्रल में क्या होता है, मेरे घर पे जब लाइन आता है आपके घर में जो हर किसी के पास फेज न्यूट्रल आता है पावर सप्लाई, ठीक है। अर्थ क्या होता है, जब मेरे कोई हाई वोल्टेज मान लीजिए स्टेबलाइजर है, फ्रिज है, एसी है, इस प्रकार चीज़ में क्या होता है, अब थोड़ा करंट लीक होता है, जो करंट लीक होता है वो करंट क्या होता है हम लोग को जब शॉक नहीं लाएगा, इसलिए वो जो करंट है वो अर्थ अर्थ को लाइन क्या होता है, जो कोई चीज़ का बॉडी होता है उसके साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, वो कनेक्ट मेटल के साथ रहता है। जब उस मेटल में करंट लीक होता है तो सीधा मेटल के साथ ये ग्राउंड लेवल अर्थात मेरे जो धरती है उसमें चला जाता है, माटी के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई शॉक नहीं लगता है, यही है मूल काम अर्थ का। अर्थ मास्ट लगाएगा, ठीक है, अर्थ आपको लगवाने से बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा, क्योंकि जो करंट लीक होगा उस लीक करंट सीधा अर्थ से माटी में चला जाएगा, ठीक है, मिट्टी से जाएगा, और ये अर्थ में इसी का काम है। फ्रेंड चलिए आपको दिखाता हूँ इसको कनेक्शन डायग्राम, ठीक है। ये है, मैंने एक चार्ट बना के रखा है, ये हमने छवि खींच के आपको गूगल प्लस में अपलोड दे देगा, आप वहाँ से देख लेगा। ये देखिए हमने कनेक्शन दे रखा है, फिर है लाइन वो स्विच के अंदर गया, उसके बाद ये प्लग में आ गया, यहाँ पे आ गया, देखिए आप देख सकते हो, ठीक है। ये है स्विच और ये है ये 5-pin सॉकेट, आप देख लीजिए यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, लाइन आ गया 220 वोल्ट, पहले फेज आया स्विच पे आ गया, स्विच के अंदर जब हम स्विच ऑन करेगा उसके बाद प्लग में लाइन आएगा, न्यूट्रल सीधा डायरेक्ट आ गया एकदम प्लग में। और जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग देखिए यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेवल में चला गया, यहाँ देखिए
ये मट्टी में चला गया, ये है अर्थ, ठीक है, ये लीकेज करंट को यहाँ से अर्थ में चला जाएगा, जो कारण लीक होता है, मान लीजिए थोड़ा कारण तो लीक होगा ही होगा, वो जो कारण लीक होता है वो अर्थ में चला जाता है। इसका एकदम खास सा एग्जाम्पल क्या होता है, अब मान लीजिए कोई पीसी कंप्यूटर चला रहा है तो उसमें जब अर्थ अच्छा से नहीं होगा तो आपको टच करेगा तो तब सर लाएगा, झटका लाएगा, ठीक है। इस बारे में आपको ये अर्थ लगाने से वो प्रॉब्लम मोस्टली एकदम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। आप मान लीजिए, आप मेरे बात एक बार करके देख लीजिए, अर्थिंग अच्छा से की जाए, ठीक है, अच्छे बेहतर से अर्थिंग किए और उसके साथ कनेक्ट कीजिए, जो अच्छी से अर्थिंग होगा उसमें करंट जो लीक होता है वो अच्छी तरफ से पड़ सके मट्टी में चला जाएगा, ठीक है, मिट्टी में जाएगा और आपको वो जो सॉफ्ट होता है इसके प्रॉब्लम में हम बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। पहले वो जो देख लिया है आपको, ये डायग्राम मैंने आपको गूगल प्लस में अपलोड दे देगा। चलिए इसको हम साइड में ले लेते हैं। पहले आता है दो कलर का वायर, उसके बाद एक ब्लैक। ब्लैक वायर क्यों लिया आपको समझने में मेरे को अच्छा ही होगा, आप भी समझ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लैक वायर, पहले तीनों वायर मैंने लिया, तीन वायर क्यों लिया, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थ, इसके अंदर बॉक्स के अंदर दे देगा, ठीक है। देने के बाद पहले मैंने इस ब्लैक वाला वायर को पहले अर्थिंग दे दिया, अर्थ जिसको मैंने ग्राउंड फ्लोर में देगा, ठीक है, पहले ये जो अर्थ में दिया दिया। उसके बाद ये जो नीला वाला वायर है, ये जो ग्रीन वायर है, एक ग्रीन वायर को मैंने यहाँ पे न्यूट्रल पे दे दिया, ठीक है, एकदम सीधे सा कनेक्शन फ्रेंड, कोई लफड़ा नहीं है, आप आराम से के। और इस जो वायर को आप चूज करेगा, इसको वायर का माप देगा आपको 1.5 mm का वायर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 ampere का है। उसके बाद ए वाला ऑप्शन, ये है फेज, हमने वाइट वायर को फेज किया है। आप किसी भी वायर के आपका मर्जी से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा वायर कहाँ से लगवा रहा है, ठीक है, लगाना है वो सही सही जगह से आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद फेज को, फेज लाइंस हर तरफ स्विच पे देना पड़ेगा, ठीक है, स्विच के देने के बाद हम लोग स्विच से एक छोटा सा तार लेगा, उसके ज़रिए मैंने लाइन यहाँ पे देगा, ठीक है। वो चलिए एक सादा वाइट वाला टुकड़ा ले लेता है यहाँ से थोड़ा काट के, और देखिए मैंने काट लिया, थोड़ा इसमें छील लेता है। उसके बाद आइए ये जो देख रहे हैं, फिर ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, वहाँ से आप परचेस कर लेगा और स्विच बॉक्स आपको मिल जाएगा। ये बॉडी का आसानी से आपको ऑरिंग हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा वायरिंग हो गया। आप देख सकते हो फेज लाइन पहले स्विच पर आया, स्विच से आप जब स्विच ओपन करेगा फेज लाइन भी काट हो जाएगा, ठीक है, इससे फेज लाइन यहाँ से निकल के आप प्लग पे आ गया। और यहाँ पे न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल डायरेक्ट दिया हुआ है एकदम यहाँ पे, ठीक है, जो ब्लैक वायर है ये है अर्थ, ये मट्टी पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लैक वायर मैंने अर्थिंग में दिया, देख सकते हो, आपको समझा देता हूँ वायर के लिए, देखिए ये जो ब्लैक वायर दिया, ठीक है, ये मैंने अर्थ में दे दिया। वाइट वायर जो दिया ये है लाइन पे दिया, देखिए स्विच पे लगाया है, आप देख सकते हो ये जो एल लिखा हुआ लाइन, ये वाइट वायर दिया मैंने स्विच पे दिया, यहाँ से स्विच से दे दिया प्लग में। और न्यूट्रल जो आया ए वाला वायर, न्यूट्रल ए वाला तार आपने मैंने न्यूट्रल दिया, ठीक है। उसके बाद चप्पा मैंने लगवाता हूँ, चलिए आपको ये कनेक्शन, उसके बाद
यहाँ पे स्क्रू लगवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने, चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं लाइन काम कर रहा है कि नहीं। मेरे पास एक मोबाइल का चार्जर है नोकिया का, ठीक है, उसको चार्जर पहले ऑन लेता हूँ मैंने, उसके बाद लाइन दूंगा। ये वाला चार्जर मैंने लिया क्योंकि इसको इंडिकेटर है, आपको समझने में अच्छा होगा। और उसके बाद मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा है बोर्ड पे, ठीक है। थोड़ा मैंने पावर सप्लाई दे दिया फ्रेंड। वो जो अर्थ है इस तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रहा है घर पर, ठीक है। ये आपको मट्टी से देना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें करंट भी रहता नहीं है। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे अभी लाइन आया नहीं, क्यों फ्रेंड। मैंने देखिए यहाँ पे एक प्लग लगा दिया, आप देख सकते हो इस वायर के अंदर एक प्लग लगा दिया मैंने। प्लग के बाद आपको ये लाइन दे रहा मैंने, ठीक है, लाइन दे दिया। और ये देखिए यहाँ पे इसके बाद इस छोटा वाला जगह में आज देखिए लाइन आ गया, ठीक है। अब ऑफ हो गया, अब ऑन हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये था छोटा सा एक वीडियो, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको इस तरह वीडियो पाने के लिए। पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए फ्रेंड। आपको जो ये कनेक्शन दे रख रहे हैं आपको इसी तरफ कनेक्शन करना होगा, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन इसको कह जाता है एक्सटेंशन बोर्ड फ्रेंड, ये इस प्रकार एक्सटेंशन बोर्ड बनाइए और कंप्यूटर को आराम से चला सकते हो, कंप्यूटर और फ्रिज एसी का भी चला सकते हो। और आपको हमने ये बोल रहा है क्योंकि इसमें जो करंट अच्छी सी, क्योंकि ये 16 एम्पेयर का है, इसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलेगा। क्यों सेफ्टी मिलेगा, ये जो आप फाइबर देख रहे हैं ये भी बढ़िया क्वालिटी का है, इसमें आपको 16 एम्पेयर का जो करंट एम्पेयर करंट होता है ये क्षमता होगा आपको 16 एम्पेयर, ठीक है। और जनरल से होता है 6 एम्पेयर, इसमें 16 एम्पेयर है, इसलिए आपको मैंने बोल रहा है कि जे आप 16 एम्पेयर का स्विच यूज कीजिए जब कंप्यूटर फ्रिज एसी मिक्सर ग्राइंडर और इस सब कोई एक्सटेंशन जब डिवाइस हम लोग चलाएगा तो 16 एम्पेयर का यूज़ करना बेहतर होगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, इस और इसके बारे में कोई सवाल है तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।